हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी कैसे हैं? होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं। मैं बनाने वाली हूँ अपने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट, और मैंने सोचा है मैं ब्रेकफास्ट में उपमा बनाऊंगी, क्योंकि वो जल्दी से बन जाता है फ्रेंड्स। क्योंकि आज मेरे बेटे की PTM है स्कूल में, तो मुझे 10:30 बजे तक जाना होगा। उन्हें बात सब करवा के मुझे रेडी भी करना है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं उपमे की रेसिपी। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। तो हमने कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर 2 स्पून जितना हम तेल लेंगे, उसको अच्छे से गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद हमने ली है इसमें पीनट ली है, चना की दाल, उड़द की दाल, राई ली है और थोड़ा सा जीरा लिया है। अब इनको हम डाल के अच्छे से भूनेंगे। ये हम डाल देंगे इसमें। पीनट के भूनने तक हम इसे अच्छे से चने में लेंगे। पीनट का कलर थोड़ा रेडिश हो जाए तब तक हम चलाएंगे। चना दाल भी थोड़ी अच्छी रोस्ट हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सारी चीजें रोस्ट हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ अदरक। अदरक से बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। हम इसमें अदरक डालेंगे, बट इसको जलाएंगे नहीं, हम थोड़ा सा ही रोस्ट करेंगे। इसके बाद हम 5 से 6 पत्तियां कड़ी पत्ती की डालेंगे। इसके बाद हम डालेंगे 1 कटा हुआ ओनियन। ओनियन को तुरंत ब्राउन नहीं करना है, ओनियन को थोड़ा सॉफ्ट हो जाए इतना भूनना है। देखिए फ्रेंड, अब इसमें थोड़ी सॉफ्ट हो गई है ओनियन हमारी। अब इसमें हम ऐड करेंगे सारे मसाले। 1/2 टेबल स्पून हमने हल्दी डाला है, क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए रेड मिर्ची बहुत कम डाल रही हूँ, हरी का मैं यूज नहीं कर रही। आप चाहे तो हरी मिर्च डाल सकते हैं, उससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। ये नमक स्वाद अनुसार। सबको अच्छे से सौते कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे, नीचे तले में लगे हुए, इसके हम थोड़ा सा उसको वाटर ऐड करेंगे। इसको अच्छे से सौते करेंगे। इसमें मैं 1 टमाटर लिया है, वो ऐड करूंगी। फ्रेंड्स, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं डालिए, बट इससे अच्छा टेस्ट आता है। इसको अच्छे से आप भून लेंगे, ये टमाटर सॉफ्ट हो जाए तब तक हम इसे भून देंगे। देखिए फ्रेंड, टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 कप जितना वाटर ऐड करेंगे। वाटर आप अपने हिसाब से रखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि सूजी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, तो कुछ सूजी थोड़ा ज्यादा वाटर लेती है, सूजी थोड़ी महीन होती है तो वो जल्दी ही हो जाती है। तो मैंने इसमें 2 कप जितना वाटर दे दिया है, मुझे लग रहा था थोड़ा कम वाटर है। अब इसे फ्लेम हाई करके इस पे 1 बॉईल आने देंगे। और मैंने इसकी लिड लगा दी है, इससे जल्दी बॉईल आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, बॉईल आ चुका है। अब हमें इसकी फ्लेम कर देंगे लो। और ये मैंने ली है 1 कप सूजी, इसको ऐड करेंगे चलाते हुए।
मैंने फ्रेंड्स भुनी हुई सूजी ली है, आप चाहे तो कच्ची भी ले सकते हैं। बहुत सारे लोग कच्ची सूजी से भी बनाते हैं, बट मुझे भुनी हुई सूजी वाला हलवा उपमा पसंद है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए रख देंगे। हमें फ्लेम लो ही रखनी है फ्रेंड्स उपमा बनाते वक्त। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना ये दिखने में। बस 2 मिनट्स के लिए और रखेंगे इसे और हमारा उपमा बनके रेडी हो जाएगा। सी फ्रेंड्स, हमारा उपमा बनके रेडी हो गया है। अब हम, क्योंकि मैं बना रही हूँ अपने बच्चों के लिए, तो इसमें मैं 1 टेबल स्पून घी डाल दूंगी। इससे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और थोड़ा कटा हुआ धनिया स्प्रिंकल करूंगी, पोमेग्रेन में स्प्रिंकल करूंगी। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए मेरा उपमा बनके रेडी हो चुका है और ये बहुत ही यम्मी है। आप भी एक बार ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये कैसी लगी। वेरी वेरी गुड, डिलीशियस। आप भी इसे ट्राई करिएगा और प्लीज सब्सक्राइब।